हेलो एवरीवन, मैं एक बार ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, सलाम अलैकुम, वड़ेकम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित परीक्षा राजस्थान CHO स्पेशल MCQ सेशन, आपकी बार CHO पार। मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आज की इस क्लास को अपन कैरी ऑन करते हैं, पहले MCQ के साथ में, जो कि हमारा लास्ट सेशन का लास्ट MCQ था। उसको अपन को डिस्कस करना है लेबर के ऊपर से, तो पहले लेबर के ऊपर से डिस्कस करते हुए अपन आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो MCQ है अपना पहला, वो भी धमाकेदार। पैटर्न पूरा नया है, नए पैटर्न पर आधारित सारे MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर से रिलेटेड कौन सा या फिर पैरामीटर इससे रिलेटेड है वो बताना है आपको ABCD में से। फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा एंड नन। नन तो होगा नहीं ऑप्शन, राइट आंसर नन तो कभी होता नहीं है, ठीक है। वो आप कहता मतलब कभी करना भी मत। नन का मतलब होता है पता नहीं, क्या होता है नन का मतलब, क्या होता है पता नहीं। और एक और ऑप्शन आने लग गया आजकल का, अनुत्तरित प्रश्न, मतलब आप उसको करना ही नहीं चाहते हो, तो वो है ई ऑप्शन, ठीक है। तो ई के झमेले मत पढ़ो, पहले अपन को क्योंकि सिलेक्शन अगर लेना है तो इन्हीं से लिया जाएगा, ठीक है। तो फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स कितना सेंटीमीटर डायलिटेशन होती है, 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन होती है। और ये कब हो जाती है, ये फर्स्ट स्टेज जब एंड होती है तब हो जाती है। बेबी की डिलीवरी कब होती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में, कब होती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बेबी की डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा की मैं बात करूँ तो थर्ड स्टेज में आती है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है। चलो अपन कुछ टाइमिंग की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमिक ग्रेविडा में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की टाइमिंग जो होती है वो 18 घंटे होती है, कितना घंटे होती है, 18 घंटे। और सेकंड यानी मल्टी ग्रेविडा जो है उसके अंदर 12 घंटे होती है, कितना घंटा होती है, 12 घंटा, 8 से 12 घंटा मान सकते हो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है अपने पास में आता है कि प्लेसेंटा की डिलीवरी कितने टाइम में होती है। प्लेसेंटा की डिलीवरी जो है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंतराल में हो जाती है, कितने मिनट में, 15 मिनट से 30 मिनट के अंतराल में हो जाती है, मतलब 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है। चलो बेबी की डिलीवरी होती है, चलो अच्छी बात है, होती है तो बधाई हो, सबको मिठाई खिलाओ। बेबी की डिलीवरी होती है, बेबी की डिलीवरी हो गई तो उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या आएगी, इसके अंदर बेबी की डिलीवरी के अंदर मान लो सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो रही है, सर्विक्स पूरा डायलेट हो चुका है, अब क्या हुआ, बेबी का जो हेड है वो यहाँ पे फिट हो गया है, ठीक है, कहाँ पे, आपके वल्वल आउटलेट पर, ठीक है, ना वो अंदर जा रहा है ना वो बाहर जा रहा है, ठीक है। उस वाली कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं, क्राउनिंग। और ये क्राउनिंग होती है, क्राउनिंग का मतलब मोस्ट कॉमन मतलब साइन है कि सेकेंड स्टेज जो है स्टार्ट हो रही है अब, ठीक है। तो सेकंड स्टेज जब स्टार्ट होती है तो उसका मोस्ट कॉमन अपने पास में जो साइन आता है वो यही है कि क्राउनिंग होना। क्राउनिंग से अपन पता लगा लेते हैं कि ये क्या है, सेकंड स्टेज अब स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या इंटरवेंशन करने होते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है सिंटोसिन जो इंजेक्शन है वो चलेगा आपके LRL के अंदर, RL, ठीक है, लेबर रूम में RL, ठीक है, याद रख लेना, अच्छे से याद रह जाएगा। लेबर रूम में RL प्लस ऑक्सीटोसिन अपन चलाएंगे इसके अंदर। ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा, ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है कि सबसे बड़ा काम मैं बता दूँ इसका, आप मेन काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन लाना यूट्रस का, जो यूट्रस जो हार्ड बड़ा है, मतलब बिल्कुल कुछ काम का नहीं है यूट्रस, उसके अंदर क्या करना, एक तरह की जागृति उत्पन्न करना, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कौन लाएगा, ऑक्सीटोसिन लाएगा। ऑक्सीटोसिन जब अपन ने दिया, ऑक्सीटोसिन क्या लाया, कॉन्ट्रैक्शन लाया। अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर से क्या लगेगा, दबाव लगेगा, तो नीचे से क्या लगेगा, बच्चे के ऊपर हेड पर प्रेशर लगेगा, पेल्विक फ्लोर का प्रेशर लगेगा। तो अब वो क्या करेगा, बच्चा थोड़ा ऊपर जाएगा, देह भजीड़, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर देह भजीड़, ठीक है। तो इस प्रकार से भजीड़ खा खा के बच्चा क्या हो जाएगा, मार का पक्का हो जाएगा, ठीक है, मार का पक्का हो जाएगा।
जो अपने मेवाड़ी भाषा में बोलते हैं मार का पक्का होना, ठीक है, तो मार का पक्का हो जाएगा। अब मार का तो पक्का हो गया बच्चा, ठीक है, अब वो बाहर निकलेगा तो उसको आरडीएस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आरडीएस? आरडीएस होने के चांस वेजाइनल डिलीवरी में जो बहुत कम रहते हैं, वेजाइनल डिलीवरी में सबसे कम आरडीएस होने के चांस रहते हैं, याद रख लेना, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, आरडीएस होने के चांस। और एलएससीएस में सबसे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसने देह बचीड़ किया ही नहीं, एलएससीएस में कुछ भी नहीं किया, देह बचीड़ वाला किया ही नहीं। रिट्रैक्शन रिंग जब भी ऊपर जाती है, पैथोलॉजिकल रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, बच्चा नीचे आता है, थोड़ा अपोजिट चलती है रिंग, रिंग ऊपर जाएगी तो बच्चा नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि वो पेल्विक फ्लोर का प्रेशर भी लगेगा और ऊपर से आपके फंडस का प्रेशर लगेगा, दोनों का प्रेशर लगने की वजह से बच्चा नीचे आएगा। और एक बात और बता दूँ, कॉन्ट्रैक्शन रिलीज होते हैं कॉर्नोआ ऑफ यूट्रस से, यूट्रस का जो कॉर्नोआ होता है ना, ओविडक्ट वाला पार्ट, ठीक है, ओविडक्ट जहाँ से शुरू होती है वह उसी पार्ट से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन सारे के सारे शुरू होते हैं। तो मैं ऑक्सीटोसिन की बात कर रहा था, ऑक्सीटोसिन का जो वर्क होता है मेनली, एक तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बेबी को एक्सपेल आउट करवाने में हेल्प करता है, एक मिल्क के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क को इजैकुलेट करना, बाहर निकालना, लव हार्मोन बोलते हैं, पिटोसिन हार्मोन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स की मैं अगर बात करूं तो फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स ये कितना सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, यही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स क्या कहलाती है, फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स कहलाती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ प्लेसेंटा की, डिलीवरी की, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा की मैं सिंपली बात करूँ तो प्लेसेंटा क्या होती है, डिस्कॉइड होती है। क्या होती है प्लेसेंटा? डिस्कॉइड होती है। एक तो प्लेसेंटा मैं बता दूं डिस्कॉइड होती है, डिस्क शेप की होती है। एक प्लेसेंटा हीमोकोरियल होती है, एक प्लेसेंटा डिस्कॉइड होती है, एक प्लेसेंटा हीमोकोरियल होती है, और एक प्लेसेंटा क्या होती है, डेसिड्यूएट होती है, डेसिड्यूएट होती है। ये तीन क्वालिटी है प्लेसेंटा की, पूछी जाती है एग्जाम में, डिस्कॉइड, हीमोकोरियल, डिस्कोइड का मतलब होता है डिस्क शेप की, हीमोकोरियल का मतलब होता है ब्लड इसके अंदर होता है इसलिए हीमोकोरियल बोलते हैं, डेसिड्यूएट का मतलब होता है जो डेसिड्यू होती है वो बाद में जड़ जाती है, ठीक, उसी प्रकार से डिलीवरी के बाद में ये भी क्या होती है, जड़ जाती है। ये एक प्रकार की टेम्प्ररी ऑर्गन है, टेम्प्ररी ऑर्गन है, मतलब परमानेंट ऑर्गन नहीं है, ऐसा नहीं है कि मान लो मदर के अंदर शुरू से ही था और एंड तक रहेगा, ऐसा नहीं है, वो कुछ 9 महीने के लिए आएगा और फिर वो जड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑर्गन है। तो यह डेसिडुआ, डेसिडुएट होती है, हीमोकोरियल होती है, डिस्कोइड होती है। प्लेसेंटा का वेट आपको पूछा जाता है, कितना होता है वेट प्लेसेंटा का, 500 ग्राम, 500 ग्राम इसका वेट होता है, और 500 ml इसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, इसके अंदर ब्लड होता है, जो इंट्राविलियस स्पेस एक्स्ट्राविलियस स्पेस में पाया जाता है, मैटरनल ब्लड, फिटल ब्लड। अब देखो मैटरनल पार्ट और फिटल पार्ट की मैं बात करूँ तो प्लेसेंटा का ये देखो, ये तो है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, और ये आपकी प्लेसेंटा है मान लो, ठीक है, और इसके अंदर ये ब्लड पाया जाता है, ठीक है, सब कुछ है। अब ये जो फिटल पार्ट है वो कितना परसेंट होगा, फिटल पार्ट होगा 80% कौन बनाएगा, फिटल पार्ट बनाएगा, और मैटरनल पार्ट ओनली फॉर 20% होगा, ठीक है, तो मैटरनल की तरफ ब्लड भी कम होगा तो ब्लड आप लिख दो 150, और फिटल की तरफ ब्लड भी ज़्यादा होगा लिख दो आप 300, ठीक है, 300 ml, 350 लिख देना, 350 ml इसके अंदर ब्लड भी होता है, ठीक है। तो ये है प्लेसेंटा की कहानी, ठीक है, और प्लेसेंटा के अंदर से तीन यहाँ पर निकलती है आर्टरी और वेन निकलती है। तीन आर्टरी और वेन कौन कौन सी होती है, दो तो आर्टरी होती है, एक वेन होती है। वेन कौन सी होती है, अम्बिलिकल वेन, और कौन सी आती है आर्टरी, कौन सी होती है अम्बिलिकल आर्टरी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से प्योरीफाई होके कहाँ जाएगा, फिटस की तरफ जाएगा, वो किस में जाएगा, अम्बिलिकल वेन के थ्रू जाएगा, और आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड या मिक्स्ड ब्लड वापस फिटस से प्लेसेंटा में आएगा शुद्ध होने के लिए, ठीक है। तो ये आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब प्लेसेंटा के ऊपर से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, एनएचएम में भी आया था, ठीक है, और बार बार आता है ये क्वेश्चन, बार बार परेशान करता है, वो कौन सा क्वेश्चन है, तो वो ये क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा को अपन डिस्कार्ड करेंगे तो किस में करेंगे। अपन ने बार बार पढ़ा था बायोलॉजिकल, बायोमेडिकल जो वेस्ट है उसको बार बार पढ़ा था, वेस्ट मैनेजमेंट को, बीएमडब्ल्यू को, कि अपन एनाटोमिकल जितना भी वेस्ट है, बॉडी सिक्रेशंस हुए, ठीक है, चाहे उसमें यूरिन ही हुआ, आप यूरिन भी कर दो उस पर, येलो बैग में जाकर यूरिन भी कर सकते हो, ठीक है, तो
जितना भी सारा बॉडी सिक्रेशन है, एनाटोमिकल पार्ट है, वो सारा किस में डालना है? येल्लो में, ठीक है। पढ़ा था अपन ने ड्रेसिंग मटेरियल येल्लो में, ठीक है। पीपीई किट अपने खोल दिया, इन्फेक्टेड है, येल्लो में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी थी। तो इसी प्रकार से प्लेसेंटा जो है वो एनाटोमिकल पार्ट है, एनाटोमिकल ऑर्गन है, वो किस में जाएगा? येल्लो में, येल्लो बैग लिख देना यहाँ पे, येल्लो, ठीक है। आंख बंद करके लिख देना आराम से, लेकिन आंख खुली भी रखना कि ताकि वो गोले भरो। उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बदमाशी कर जाते हैं, ए बी सी डी और ई। अब चलो ई तो नहीं भरना, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है इतना तो सबको पता है, लेकिन अगर येल्लो लिखा है बी में और वो कहाँ भरेंगे? सी में, ठीक है। ऐसा ही करते हैं बच्चे, और वहाँ पर क्या होता है, अब आते हुए प्रश्न भी यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था अपना, रेशनल बहुत हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेज क्या है, लेबर की फर्स्ट स्टेज किसको बोलते हैं? तो ये मैंने बताया सेकेंड स्टेज है, ठीक है, बी वाली है, ये वाली है जो सेकंड स्टेज है, और ये वाली क्या है, थर्ड स्टेज है। अब बच्ची कौन सी, एक ही बच्ची है, फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। अब ये शुरू कहाँ से होती है, ट्रू पेन से लेकर, ट्रू आपका लेबर पेन होता है, वहाँ से शुरू होती है और फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स तक जाती है। इतना समझ में आ गया तो बहुत है, नया पार है तुम्हारी, ठीक है। ये था कल का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं, इसका ए राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आज का एमसीक्यू है आपके सामने कि ए वुमन हु हैज़ डिलीवर्ड ए बेबी ऑफ अबाउट 4 kg वेट इज नॉर्मली स्क्रीन्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोविंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेबी के ऊपर से क्वेश्चन है, मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस और डायबिटीज। ए वुमन, एक महिला है, एक वुमन है, डिलीवर्ड यानी उसने बच्चा डिलीवर किया है 4 kg का, 4 kg का बच्चा है, हट्टा कट्टा मुस्टंडा, ठीक है। तो वेट है उसका 4 kg का, ठीक है। नॉर्मली स्क्रीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, नॉर्मली आप उसके अंदर क्या स्क्रीन करो, क्या डायग्नोसिस कर सकते हो आप उसके अंदर, ठीक है। ये पूछा है, क्या उसको मलेरिया है इसलिए वो 4 kg का हो गया, क्या उसको टाइफॉइड है, क्या उसको जॉइंटिस है, और क्या उसको डायबिटीज़ है। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन धमाकेदार है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ 101% मैंने इस इन पिछली जो क्लासे हैं ना मेरी, उसमें कम से कम 50 से 60 बार बताया होगा, मुझे 50 से 60 बार बताया होगा सारी क्लासों को मिला के, ठीक है। मतलब बहुत बार बताया मैं ये क्वेश्चन, अब बताओ थोड़ा अलग तरीके से लेकर आया हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्वेश्चन याद आया सभी को, इस क्वेश्चन में मैंने ये बताया था आपको कि जीडीएम मदर जो होती है उसका बेबी, बताया था आपको जीडीएम मदर। अब देखो ये जीडीएम का मतलब होता है गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस, इसका बेबी जब भी होगा वो क्या होगा, मैक्रोसोमिया होगा। मैक्रो यानी होता है बड़ा, मैक्रो यानी क्या होता है, बड़ा, और सोमिया क्या होता है, सोमिया वर्ड का होता है बॉडी में बड़ा होना, सोमिया, ठीक है। 2.5 से लेकर 3.5 kg के आसपास तो होता है बेबी का नॉर्मल वेट, ठीक है, ये नॉर्मल वेट है। अब अगर मान लो ये 3.5 kg से भी ज़्यादा हो जाए, मतलब 4 kg तक हो जाए, तो इसको बोलेंगे मैक्रोसोमिया, क्या बोलेंगे, मैक्रोसोमिया। अब जीडीएम वाला जो बेबी होता है, मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज मलाइटिस होती है मदर को, उसके अंदर होता क्या है कि बच्चा जब भी बर्थ होगा तो उससे पहले गर्भ के अंदर उसको क्या मिलेगा, भर भर के ग्लूकोज मिलेगा, और वो क्या करेगा, भर भर के ग्लूकोज ले लेगा अपने अंदर प्लेसेंटा के थ्रू ले लेगा। अब उसका पेनक्रियाज भी है बच्चे का, पेनक्रियाज क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, सिक्रीट करेगा इंसुलिन। तो जीडीएम जब बेबी जब भी होगा तो उसके अंदर क्या होगा, भर भर के ग्लूकोज लेगा वो। मदर क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, इंटेक करेगी ग्लूकोज का, और मदर ज़्यादा ग्लूकोज का इंटेक करेगी तो उससे क्या होगा, बेबी के अंदर जाएगा ग्लूकोज, ठीक है, और बेबी का इंसुलिन, बेबी का पेनक्रियाज होगा वो क्या करेगा, इंसुलिन को सिक्रीट करेगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होने लग गया बेबी के अंदर तो रेजिस्टेंस बन गई। अब बेबी क्या हुआ, बाहर आया, अम्बिलिकल कॉर्ड कट गई, ठीक है। अब मदर से तो उसको क्या मिल नहीं रहा है पोषण, ग्लूकोज वगैरह मिल नहीं रहा पोषण। अब क्या करेगा, बेबी के अंदर जो ग्लूकोज होगा उसको वो इंसुलिन तोड़ेगा, तो बेबी के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार बताया एग्जाम, कई बार मतलब क्लासों में बता चुका हूँ। तो वही है यहाँ पे कि उसको क्या होने का रिस्क रहता है, अपन ये उसको क्या चेक करेंगे, बेबी की
तो नॉर्मली अपन मलेरिया चेक नहीं करेंगे क्योंकि 4 kg का बच्चा है, रेशनल छुपा हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। टाइफॉइड का कोई यहाँ पे लेना देना लिया, जॉइंटिस का, अगर मान लो जॉइंटिस का लेना देना होता, अगर ABO इनकॉम्पैक्टिबिलिटी या RH इनकॉम्पैक्टिबिलिटी आता तो, ठीक है, या हेमोलाइसिस आता तो, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और बच्चा है यहाँ पर डायबिटीज़, डायबिटीज़ सीधा सीधा जवाब जा रहा है, डी आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMC इज गिवन बाय कंगारू मदर केयर, कौन दे सकता है, ओनली बाय मदर, ओनली बाय फादर, और ओनली बाय डॉक्टर, और ओनली बाय एनीवन, बाय एनीवन, एनीवन यानी कोई भी दे सकता है। तो अपन ने पढ़ा था KMC का मतलब क्या होता है, कंगारू मदर केयर कब दी जाती है, ड्यूरिंग हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया के अंदर ये क्या दी जाती है, KMC दी जाती है। हाइपोथर्मिया किसको बोला जाता है, सबसे पहले तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बच्चे का कितना होता है, कल भी बताया था मैंने, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है बच्चे का 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और 36 से लेकर 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड ये होगा आपका माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है, और 32 से लेकर 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड मॉडरेट हाइपोथर्मिया, ठीक है, ये मॉडरेट हो गया। और इसके बाद में आएगा आपका लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जब भी आएगा सीवियर हाइपोथर्मिया की कैटेगरी में अपन उसको डालेंगे। ये है आपके सामने हाइपोथर्मिया और इसके क्या है पैरामीटर, सारे के सारे याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। और हाइपोथर्मिया इज द आल्सो नोन एज हाइपो थर्मिया को अपन और क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं साइलेंट किलर, क्या बोल सकते हैं, साइलेंट किलर, इसी हाइपोथर्मिया को अपन क्या बोल सकते हैं, साइलेंट किलर बोल सकते हैं, ठीक है, ये दो नाम है इसके, साइलेंट किलर भी अपन इसको बोल सकते हैं, हाइपोथर्मिया को, आ सकता है एग्जाम में, पूछा जाता है बार बार, ठीक है, कोई घबराने जैसी बात नहीं है, अपन को सीधा का सीधा जवाब लिखना है, मतलब ठंड, बच्चे को ठंड लगने लग जाती है, और इसी हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए अपन क्या क्या करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, ठीक है। तो पहली कोशिश है अपनी रेडिएंट वार्मर, रेडिएंट वार्मर मतलब, रेडिएंट वार्मर का मतलब होता है अपन कहाँ रखेंगे बेबी को, अपन रेडिएंट वार्मर के अंदर रखेंगे, ठीक है, गरम गरम जो होता है वार्मर, उसमें उसके हीट लॉस को रोकेंगे, ठीक है, उसको अपन हीट नहीं देंगे, हीट लॉस को रोकेंगे, ठीक है, याद रखना। दूसरा अपन जो मेथड अपनाते हैं वह KMC होता है, KMC यानी कंगारू मदर केयर, कंगारू जो होते हैं, कंगारू एक जानवर है जो होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो क्या करता है अपने बच्चे को अपने छाती के अपने चेस्ट के लपा के रखता है, ठीक है, एक मतलब थैली नुमा स्ट्रक्चर होती है नीचे की तरफ, वहाँ पे रखता है बच्चे को, और चलता है तो भी वहीं रहता है बच्चा, मतलब उसके छाती के लपके रहता है, ठीक है। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन ने भी क्या किया, बच्चे को अगर मान लो अपन ने यहाँ पे चेस्ट के लपा दिया, ठीक है, तो बच्चे की गर्मी का लॉस नहीं हो पाएगा, बच्चे की गर्मी का लॉस रुकेगा, तो बच्चे के अंदर गर्मी रहेगी ऐसा, और हाइपोथर्मिया से वो बचा रहेगा, ठीक है। KMC देने का जो मोस्ट कॉमन टाइम होता है वो 24 आवर्स से लेकर, सॉरी 1 आवर से लेकर, 1 आवर तो इसका क्या है मिनिमम है, और मैक्सिमम टाइम की मैं अगर बात करूँ तो है 24 आवर, कितना है 24 आवर्स, ठीक है, ये इसका क्या है टाइम ड्यूरेशन है, ये इसका क्या है टाइम ड्यूरेशन है, ये पूछा जाता है KMC का, ये भी आप लिख लेना अच्छे से, आ सकता है एग्ज़ाम में, पूछा जाता है बार बार। और एक बात और है, KMC के फ़ायदे क्या है, KMC के फ़ायदे पूछे जाते हैं आपको, मतलब लाभ क्या है, KMC करने से आपको लाभ क्या है, एक तो प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, ठीक है,
दूसरा दूसरा लाभ क्या है इसका? वेट गेन, वेट गेन होता है बच्चे का, और गुड बाउंडिंग, अच्छी बाउंडिंग बनती है, और अर्ली डिस्चार्ज में भी हेल्प होती है। और पांचवा इसका कंपोनेंट है, अपने पास में आता है, एक तो है प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, दूसरा है वेट गेन, तीसरा है गुड बाउंडिंग, और चौथा है अर्ली डिस्चार्ज, और पांचवा कंपोनेंट इसका है, मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। ठीक है, ये भी है इसका कंपोनेंट, ये केएमसी के सारे कंपोनेंट है, ये आपको याद करने हैं। मोस्ट कॉमन जो कंपोनेंट है वो ऊपर वाले चार हैं, और ये चारों ऑप्शन में पूछे जाते हैं, तीन तो आते ही हैं, एक आपको एक्सेप्ट में लिखना होता है। ठीक है, तो वो भी आपको याद करना है, याद करके बताना है। केएमसी कौन कौन दे सकता है? मदर दे सकती है, फादर दे सकता है, डॉक्टर दे सकता है, ये तीन तो दे सकते हैं केएमसी, मतलब एनीवन, कोई भी आप केएमसी दे सकता है, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, केएमसी गिवन बाय एनीवन, यानी ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? बड़े आगे नेक्स्ट एमसीक्यू, डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, राज्य वृक्ष पूछा है। ठीक है, खेजड़ी, बबूल, नीम, और फिर लिखा है मैंगो, मैंगो यानी आम, आम का पेड़। क्या खेजड़ी है, क्या बबूल है, क्या नीम यानी नीम का पेड़ है, क्या मैंगो है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबने पढ़ा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो खेजड़ी इसका राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? खेजड़ी। ठीक है, एक आध एमसीक्यू राजस्थान का आ सकता है। अब गेरियाट्रिक पर्सन किसको बोलते हैं? गेरियाट्रिक पर्सन है, देखो एक एक पर्सन का मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, मैं आपको ताकि आपको कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा, और बार बार बताऊंगा ताकि आपके क्लियर हो जाए एक ही बार में। ठीक है, पहला जो बच्चा होता है वो आप गर्भ के अंदर, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, कंसेप्शन से लेके। ठीक है, तो जाइगोट पहला है अपने पास में आता है, जाइगोट, जाइगोट किसको बोलेंगे? ठीक है, फिर आता है अपने पास में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किसको बोलेंगे? फिर आता है फिटस, फिटस किसको बोलेंगे? ठीक है, तीन तो ये जीरो से दो वीक तक का बच्चा, दो वीक तक का बच्चा जो होता है वो होता है अपना जाइगोट, और तीन से आठ वीक तक का जो बच्चा होता है वो होता है आपका एम्ब्रियो, और फिटस किसको बोलते हैं? नाइन वीक से लेकर टिल बर्थ तक का जो बच्चा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? फिटस बोलेंगे। ठीक है, फिर बाद में ये क्या हो जाएगा? बर्थ हो जाएगा, और बर्थ होने के बाद का जो पीरियड है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो वो कैसे है? पहला है नियोनेट, क्या है? नियोनेट, नियोनेट की दो कैटेगरी बनती है, अर्ली और लेट। क्या बनती है? पहली अर्ली, अर्ली में होता है अर्ली, लेट में होता है लेट। ठीक है, तो लेट में लेट, अर्ली में अर्ली। अर्ली तो होगा जीरो से सेवन डे का बच्चा, और आठ से लेकर 28 दिन का जो बच्चा होगा उसको अपन बोलेंगे लेट नियोनेट। तो टोटली अपन बोल सकते हैं नियोनेट का 0 से 28 दिन का बच्चा, 0 से 28 दिन का बच्चा जो होता है वो नियोनेटल कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, और इसके अंदर भी दो कैटेगरी है, अर्ली और लेट। ठीक है, ये दो कैटेगरी समझ में आ गई। तीसरी कैटेगरी ये है अपने पास में आती है कि इन्फेंट किसको बोलते हैं? टॉडलर तो बाद में आएगा, इन्फेंट है, इन्फेंट किसको बोलेंगे अपन? 28 दिन बोल सकते हैं, 4 वीक बोल सकते हैं, 1 मंथ बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना। तो 28 डे से लेकर या 1 मंथ से लेकर 1 ईयर, ठीक है, 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट कहलाएगा। फिर आता है दूसरी है जो टॉडलर, ठीक है, टॉडलर किसको बोलेंगे? 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक, 3 साल का बच्चा, 1 साल से 3 साल का बच्चा जो होगा वो टॉडलर होगा। ठीक है,
टोडलर के बाद में क्या क्या आएगा अपने बस में? टोडलर के बाद में आएगा प्री स्कूल, प्री स्कूलर एज, जिसमें आंगनवाड़ी जाता है, बालवाड़ी जिसको बोलते हो, ठीक है, 3 से 6 साल का बच्चा, ठीक है। फिर आता है स्कूल में, ये स्कूल एज है, ठीक है, स्कूल एज बोलते हैं अपन 6 से 12 साल की एज में। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, एक बार ये भी ले लें ताकि वो सब कुछ आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं हटा रहा हूँ सब कुछ, हटेगा ये रहेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ तक पढ़ लिया था? स्कूल एज में। फिर आता है अपने पास में एडोलसेंट एज, क्या आती है? एडोलो सेंट एज। एडोलसेंट किसको बोलेंगे? 12 तक तो पढ़ लिया, 6 से 12 स्कूल एज, अब 13 से लेके 19 साल का जो होगा उसको अपन बोलेंगे एडोलसेंट एज। एडल्ट, एडल्ट के अंदर सीधा का सीधा चला जाएगा आपके, क्या चला जाएगा? 20 से लेके, या 19 ही कर दो आप, ठीक है, 19 से लेके 59 ईयर, मतलब 59 साल। और एल्डरली, अब एल्डरली अपन पढ़ते हैं ना बार बार, एल्डरली, ठीक है। और इस एल्डरली का ही दूसरा नाम है गेरियट्रिक, ठीक है। अब याद आ गया अपन को गेरियट्रिक है, ठीक है। ये गेरियट्रिक किसके अंदर आएगा प्यारे दोस्तों? 60 से ऊपर, 60 से ऊपर की जितनी भी सारी केयर दी जाएगी पर्सन को, वो गेरियट्रिक नर्सिंग कहलाएगी, ठीक है। तो समझ में आया सभी को? एक लाइक ज़रूर कर दे क्लास को, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कि किसी ने क्या खूब कहा है कि बर्फ़ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, डले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा और जोर लगा, हिम्मत कर, मेहनत कर, क्योंकि किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता है, और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता है। हार को जीत से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। हम तो बने हैं सिर्फ जीतने के लिए, सौगंध महादेव की, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो गैरियट्रिक के पर्सन के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। अबव 52 ईयर, अबव 16 ईयर, अबव 65 ईयर और अबाउट 18 ईयर, ABCD। 60-65 में कंफ्यूज हो, ठीक है। तो 60 में अभी मैंने जो बताया ना वही राइट आंसर है, ठीक है, अब कोई दूसरा आंसर टपकेगा नहीं। 60-65 में कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, ठीक है, 65 नहीं, 60 है, कंप्लीट है गेरियाट्रिक पर्सन के लिए, ठीक है, यही आपको याद रखना है। रेशनली क्यों दिया? जब जब ये नहीं था ऑप्शन, 65 था तो मैं 65 ही देता रेशनल, 60 क्यों दिया? एल्डरली को ही तो अपन बोलते हैं गेरियाट्रिक, और उनको जो केयर दी जाती है वो गेरियाट्रिक केयर कहलाती है, ठीक है। एंड स्टेज केयर भी उसको बोला जाता है, रिहेबिलिटेशन केयर, टर्सरी केयर, ठीक है, ये सारे नाम हैं, ये सब आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट MCQ आपके सामने है कि व्हेन वाज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एट? योगा डे, वर्ल्ड या विश्व योगा दिवस या योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 21 दिसंबर, 23 सितंबर और 15 अगस्त को। ABCD, तो इसका जो राइट आंसर है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, और सीधा का सीधा जा रहा है 21 जून, सबको पता है 21 जून, तो 21 जून इसका बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। ए आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ए बिल्कुल यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। योगा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 जून को, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपको पूछेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, 28 जुलाई को मनाया जाता है हेपेटाइटिस डे, ठीक है, ये भी आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछेंगे 12 मई, 12 मई के बारे में पूछा जाएगा आपको, बार बार पूछा जाता है ये भी, ठीक है। वर्ल्ड नर्सेस डे, वर्ल्ड नर्सेस डे, नर्सेस डे के बारे में पूछा जाता है। फिर पूछा जाएगा आपको 29 सितंबर, हर्ट डे, क्या है? हर्ट डे। और वर्ल्ड हेल्थ
ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, ठीक है। हार्ट डे और हेल्थ डे में फर्क है, ठीक है। 7 अप्रैल को हेल्थ डे मनाया जाता है। डायबिटीज़ 14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर, लिख देता हूँ मैं, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यह है 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, आ सकते हैं आपके भी, ठीक है। एक मैक्सिमम और जो तो बार बार पूछे जाता है वो भी आता है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस, एड्स डे मनाया जाता है। 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाता है, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। तो ये पूरे जो मैंने अभी जो बताया ना, ये सारा हाइलाइटर क्वेश्चन है, और हाइलाइटर को अपन को क्या करना है? याद करना है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे तो ए चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आल्सो कॉल्ड एज, अपन इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को? लाइफ स्टाइल डिजीज, परमानेंट डिजीज, लॉन्ग टर्म डिजीज और कॉस्टली डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जैसा कि, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में क्या आ गई आपके, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेलियर वाली, या मान लो एंजाइना हो गया, ठीक है। ये वाले जो ड्रग होती है ये चलती है आपके लॉन्ग टाइम, या वॉल्व रिप्लेसमेंट हो गया, वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, या पेसमेकर लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है आपके, सभी की सारी बीमारी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल, जो एक दूसरे से नहीं फैलती है, ठीक है। दूसरी है सीवी है, ये तो सीवी है, कार्डियोवास्कुलर है। दूसरी है आपकी, एक और बीमारी आएगी, और डायबिटीज़ बीमारी जो होती है वो भी क्या है, लॉन्ग टर्म बीमारी है। कैंसर, तीसरा क्या है, कैंसर की भी आपकी क्या है, मतलब लंबे समय तक इसकी क्या चलेगी, दवाई गोली चलेगी, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल बदलने से ये बदल जाएगी, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन इसका ये फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, इसका नाम नहीं है दूसरा। परमानेंट डिजीज़, परमानेंट रहती है, लॉन्ग टर्म भी रहती है, लेकिन ये कॉस्टली डिजीज़ जो है, नाम बहुत अच्छा है, तो इसको अपन प्रायोरिटी देंगे, लेकिन यहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज़ ही यहाँ पे क्या होगी, राइट होगी। लाइफस्टाइल अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो ये भी चेंज हो जाएगी, लाइफस्टाइल चेंज करने पर ये भी चेंज हो जाएगी। परमानेंट डिजीज़ भी ये होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, कॉस्टली भी होती है। कॉस्टली क्यों होती है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, पूरा जो लाइफ टाइम है वो अपन को क्या लेनी पड़ती है, दवाई गोली लेनी पड़ती है, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर से यहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज़ अपन इसको बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, अपनी मिनिमाइज हो सकती है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है, ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऑफ विच सिटी दशहरा फेयर इज फेमस इन राजस्थान स्टेट, मतलब दशहरा का मेला जो लगता है, रावण का मेला लगता है, वो राजस्थान में कहाँ का फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का है, ठीक है। पहला है बारा का मतलब, ठीक है, वो जिले का नाम है, झालावाड़, कोटा और अलवर। तो दशहरा मेला कहाँ का फेमस है राजस्थान के अंदर, ए बी सी डी ऑप्शन है आपके सामने, तो कोटा का जो है दशहरा मेला सबसे ज़्यादा फेमस है, कोटा, ठीक है, कोटा के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर रावण बनाया जाता है, वहाँ का मेला भी सबसे बड़ा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ राजस्थान, राजस्थान का सबसे बड़ा यहाँ पर पर्वत कौन सा है, माउंटेन कौन सा है, नाग हिल, नाग पर्वत, बैराट, गुरु शिखर और अचलगढ़। अचलगढ़ आपके कहाँ है, कुंभलगढ़ में, ठीक है, बताओ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गुरु शिखर, क्या होगा, गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की माउंटेन के अंदर। नेक्स्ट है आपके सामने, कहता नेशनल प्रोग्राम ऑफ लेप्रोसी इज, लेप्रोसी है नेशनल प्रोग्राम है, तो उसके लिए क्या चीज़ फिट बैठेगी, ठीक है।
नेशनल प्रोग्राम फॉर लेप्रोसी, लेप्रोसी के लिए नेशनल जो प्रोग्राम चलाया गया वो क्या था, नेशनल प्रोग्राम फॉर लेप्रोसी कंट्रोल, लेप्रोसी या फिर सॉरी नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल लेप्रोसी एंड लेप्रोसी प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ लेप्रोसी, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ लेप्रोसी। अब बताओ ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर इसका होगा नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, क्या होगा नेशनल इराडिकेशन, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, आया समझ में, बढ़ाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, हाइपरटेंशन आर विच टाइप, हाइपरटेंशन के टाइप फेज एक और दो, स्टेज एक और दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टाइप ए एंड टाइप बी। अब हाइपरटेंशन का टाइप जो है वो किस प्रकार से अपन डिस्क्राइब करते हैं, सिंपल सा पूछा है तो राइट भी आंसर भी सिंपल सा है, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछ रहे हैं आपको, रेड रिबन एक्सप्रेस इज रिलेटेड टू, रेड रिबन किससे रिलेटेड है, रेड रिबन सपोज मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है, ठीक है नहीं क्या कैसा होता है जो तो सबको पता है, लेकिन जो मेरा बताने का पर्पज़ है वो अलग है। ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइन, इस साइन की मैं बात कर रहा था, ये किसका साइन है, ठीक है, ये साइन है आपके है, किसका साइन है बताना आपको, ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा। बताओ ये किसका साइन है, ये रेड रिबन जो है वो किसका साइन है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलो देख लिया, मलेरिया अवेयरनेस, एड्स अवेयरनेस, कैंसर और पोलियो, तो ये रिलेटेड है एड्स से, किससे रिलेटेड है, एड्स, एड्स की बीमारी जो है उससे यहाँ पे रिलेटेड है, कौन सा आपका रेड रिबन, ठीक है, रेड रिबन एड्स से, एड्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ओआरएस इज प्रिपेयर्ड विद, ओआरएस किससे बनता है, वन ग्लास वाटर एंड वन स्पून ओआरएस, हाफ लीटर वाटर एंड हाफ पैकेट ओआरएस, वन लीटर वाटर और वन पैकेट ओआरएस, और फिर लिखा है नन ऑफ द अबव। देखो ओआरएस बनाना है अपन को, तो एक गिलास पानी और एक स्पून ओआरएस, ठीक है, तो ये ओआरएस का प्रिपेयर्ड फॉर्मूला होता है, लेकिन ये थोड़ा सा होता है, ठीक है, अपन पिलाते हैं ना कभी, बोलते हैं कि ये इतना सा दे देना, ठीक है, ये होता है, लेकिन अपन अपन को क्या करना, पूरा एक लीटर पूरा तैयार करना है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, हाफ लीटर वाटर, हाफ यहाँ पे पैकेज ऑफ ओआरएस, ये भी नहीं होगा, वन लीटर वाटर वन लीटर पैकेज, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट जाएगा, एक लीटर पानी लेना है, ये प्रिपेयर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, प्रिपेयर ऐसा ही करना अपन को, और एक पैकेट पूरा ओआरएस का डालना है, और पानी जब भी पियो तो उसी जग में से पीना है, और 24 घंटे के अंदर इसको फिनिश करना है, 24 आवर के अंदर इसको फिनिश करना है, अदरवाइज उस वाटर को क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, तो ओआरएस का प्रिपेयर्ड फॉर्मूला कितने टाइम तक वैलिड है, 24 घंटे तक, उसके बाद में क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, ये एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एचआईवी अफेक्ट द एचआईवी जो होता है वो किसको अफेक्ट करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, नर्वस सिस्टम को, फिर लिखा है इम्यून सिस्टम को, और फिर लिखा है हार्ट फंक्शनिंग को। तो एचआईवी जो है, एचआईवी वायरस उसके अंदर होती है, तो एक CD4 सेल जो होती है, ठीक है, WBC के अंदर, उस पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा, CD4 पे जाके HIV क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड हो जाएगा तो ये सेल क्या काम करती है, फेगोसाइटिक रिएक्शन करती है, ठीक है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है, और ये अगर ये इसी सेल पे बाइंड हो गया जाके, तो ये क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, मतलब इम्यूनिटी इसकी क्या हो जाएगी, इस आदमी की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर इस पे बीच में से कोई भी आके हाथ मार सकता है, कहने का मतलब इसकी इम्यूनिटी लॉस है,
वीकनेस आ चुकी है, तो इस पर कोई भी हाथ मार सकता है, मतलब टीबी हो सकता है उसको ऊपर से, ठीक है, मलेरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसको, कहने का मतलब ये। तो इम्यूनिटी लॉस है तो कोई से भी बीमारी आके कर सकती है, ठीक है। तो ये है सिस्टम, ये इसका सिस्टम है एचआईवी का। तो एचआईवी किसी को भी हो जाता है, इम्यूनिटी क्या हो जाती है उसकी, सिस्टम उसका गड़बड़ा जाता है, इम्यूनिटी उसकी क्या होती है, अफेक्ट होती है, इम्यूनिटी उसकी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ जेएसवाई स्कीम। जेएसवाई के बेनिफिशरीज है कौन कौन है बताओ। पहला है वुमन हैविंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एट गवर्नमेंट एंड एक्रेडिटेड हॉस्पिटल। पहली जो वुमन है वो, उस वुमन ने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल तो डिलीवरी करवाई है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या एक्रेडिटेड जो गवर्नमेंट के मतलब ऑथोराइज्ड जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने जिसको मान्यता दे रखी है उस हॉस्पिटल में करवाई है, ठीक है। दो चांस तो ये, एक चांस तो ये, ठीक है। दूसरा है लैक्टेटिंग मदर, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, पर शर्त यह है कि उसकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए या फिर एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में होनी चाहिए, उसके घर पर नहीं होनी चाहिए। एक्रेडिटेड का मतलब जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल, फैसिलिटी का मतलब गवर्नमेंट सुविधाओं का लाभ भी मिलता है, ठीक है, वो वाले हॉस्पिटल। फिर लिखा है चाइल्ड अप टू 5 ईयर ऑफ एज, यानी 5 साल से छोटे बच्चे को केयर देना, JSY। और फिर लिखा ऑल डायबिटिक वुमन, यानी ऑल डायबिटिक वुमन। अब आपको बताना है इनमें से बेनिफिशरीज कौन सा है JSY का। तो ये सारे बेनिफिशरीज किसके हैं पता है आप तुमको, अप टू 6 ईयर, ये ICDS का है, लैक्टेटिंग मदर भी उसी का है, ठीक है। ये JSY का नहीं है, जननी सुरक्षा योजना, इनमें शिशु भी नहीं है, जननी सुरक्षा योजना ओनली फॉर हॉस्पिटल से रिलेटेड है। 48 घंटे अगर हॉस्पिटल में रुकती है महिला नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में, ठीक है, और अगर सिजेरियन हुआ तो 7 दिन तक रुकना, तो उसके लिए उसको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, पैसे देना और उसकी जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन करना JSY के अंदर और उसको पैसे देना, ये इसका मोटो था। और इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना अनिवार्य था और एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में करवाना अनिवार्य था, ठीक है। तो ये ए ही राइट होगा, बाकी बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। आप सभी सोच रहे थे ये एक्सेप्ट में नहीं दिया, कहीं ना कहीं गलती कर दी, ठीक है, लेकिन गलती नहीं की, मैंने सही किया, ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ठीक है, इसीलिए आपका ए राइट है, याद रख लेना ए राइट है। यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट ध्यान, क्योंकि ध्यान मुद्रा को कभी भंग मत करो, ध्यान मुद्रा भंग हुई ध्यान हटा दुर्घटना घटी, ऐसा ही हो रहे हैं आजकल के एग्ज़ाम, राजस्थान के NHM के एग्ज़ाम, ठीक है। NHM का जो अभी हुआ था राजस्थान स्टाफ नर्स का, उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि क्वेश्चन कैसा आया था, अपन ने कैसा प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे एक ही चीज़ करनी, ध्यान लगाना है अपन को, ध्यान लगा के छोटे MCQ पहले करने की कोशिश करनी है, बड़े MCQ बाद में। नेक्स्ट MCQ क्या पूछा आपको, आशावाज एसोसिएटेड विद NRHM इन द ईयर। NRHM में आशा जो है एसोसिएटेड हुई, मतलब जुड़ी, कब जुड़ी थी आशा, ठीक है, 2007 में जुड़ी थी क्या, 2005 में, 2009 में और 2010 में। ABCD राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो 2005 में क्या आया था, NRHM आया था, और NRHM ने क्या किया, अपना आते ही इसको ऐड कर दिया, बोला कि तू ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये 2005 में ही क्या हुई, ऐड हुई थी आशा। NRHM की फुल फॉर्म बताया आपको सभी को, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, कब आया था, 2005 में आया था। इसकी दो ब्रांच निकल गई थी पता है सबको, इसकी दो ब्रांच निकल गई, आर यहाँ से हट गया था, NHM बन गया था ये बाद में, और इसकी दो ब्रांच निकल गई, एक NRHM और एक बनी NUHM। NUHM कब आया, 2013 में, और NHM कब बना, ये भी 2013 में बना, और NRHM कब आया, 2005 में आया।
इसी के अंतर्गत आरसीएच को स्टार्ट किया गया और आरसीएच के अंतर्गत जेएसवाई को स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये था आपका जेएसवाई और इसी के अंतर्गत आशा की पोस्ट लाई गई। ठीक है, आशा को लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पुट करने से पहले आशा की मैं आपको बता देता हूँ पॉपुलेशन, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। 1000 की पॉपुलेशन पर एक आशा होती है, कौन से एरिया में? फील्ड एरिया में। और अगर मैं बात करूं हिली एरिया की, ठीक है, तो ये हो गया आपके 500 से लेकर 800 तक आप मान सकते हो हिली एरिया में। ठीक है, तो ये है, ये भी आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, मलेरिया इज ए एंड डिजीज, डैश लिखा है। ठीक है, बैक्टीरियल, प्रोटोजोल, वायरल, फंगल। तो मलेरिया कोई बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, ना मलेरिया कोई वायरस है, और ना मलेरिया क्या है, फंगस है। मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ एंड डिजीज है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मलेरिया होता है फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो के द्वारा। किसके द्वारा होता है? फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ओवेली इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और ये दोनों मेलिग्नेंट है, सॉरी बिनाइन है, बिनाइन मलेरिया होता है। और फाल्सीपेरम जो होता है वो मेलिग्नेंट मलेरिया होता है। ये यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ये अपनी गनीमत है। ठीक है, मेलिग्नेंट यहाँ पे नहीं पाया जाता, अपने भारत में नहीं है मेलिग्नेंट, मतलब फाल्सीपेरम। और इससे होता है सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल मलेरिया भी इसको बोला जाता है। ठीक है, दिमाग का मलेरिया। ठीक है, और मलेरिया के जो है स्टेजेस है, मलेरिया के अंदर राइगर देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन। क्या मिलता है? राइगर। राइगर के अंदर तीन चीज़ें आती है, सबसे पहली ठंड आएगी, फिर सबसे पहले लगेगी ठंड, फिर लगेगी उसको गर्मी। पहले ठंड का मौसम अभी चल रहा है, फिर गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी। बरसात को लिख देना यहाँ पे पसीना, स्वेटिंग। ठीक है, ये तीन स्टेज है इसके अंदर, फीवर इसकी स्टेज नहीं है। यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, राइगर के अंदर कौन सी या मलेरिया के अंदर कौन सी स्टेज नहीं आती है, फीवर नहीं आती है। ठीक है, मतलब कंडीशन राइगर आती है उसके अंदर, ये तो समझ में आ जाएगा मलेरिया के ऊपर से। चलो, मलेरिया के ऊपर से एक ड्रग है क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन ये ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में मलेरिया के पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, क्यूनिन भी दी जाती है। ठीक है, आर्टिसुनेट प्रोफाइल एक्सिस के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, मलेरिया के ऊपर से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि DDT का छिड़काव किया जाता है, ये सारे प्रिवेंशन है। मॉस्किटो ऑल आउट ओडोमोस, इसका यूज किया जाता है घर में, जाली का यूज किया, जालीदार मतलब बिस्तर का यूज किया जाता है, जो भी है वो सब कुछ यूज करते हो आप। ठीक है, तो ये अपन को इतना वो नहीं करना है। ठीक है, इतना सा याद रखना कि इसका जो टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो याद रखना है MP। MP का मतलब होता है मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, ये होता है इसका टेस्ट। मलेरिया पैरासाइट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ RJSSY? आर का मतलब है राजस्थान। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, है JSSY पूछा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सारे JSSY के पूछे हैं, आर का मतलब राजस्थान, राजस्थान के अंदर JSSY जो है उसके स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? फ्री सर्विसेज टू ऑल सिक न्यूनेट टिल 13 डेज आफ्टर बर्थ, और नन ऑफ द अबव, और बोथ ए एंड बी। देखो,
एक तो है इसके अंदर फ्री सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर फ्री सर्विसेज, एक तो नियोनेट को 30 दिन तक मिलेगी, प्रेग्नेंट वुमन को भी मिलेगी, ठीक है। क्या क्या मिलेगा? फ्री ड्रग डायग्नोसिस, सारे ब्लड फूड मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है, भोजन खाना पानी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा JSSY के अंदर क्या है, पूरा निःशुल्क है दोनों को, बच्चों को भी है मदर को भी है। तो यहाँ पर ए एंड बी यहाँ पे क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ, इसरो कॉम्प्लेक्स इन राजस्थान, राजस्थान में इसरो का कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। इसरो का कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहाँ है? जोधपुर। अच्छी बात है, ठीक है, जोधपुर में ही है, एम्स भी जोधपुर है, ठीक है। अब राजस्थान में एक ही एम्स है और एक ही कहाँ पे है, जोधपुर में है। द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट्स स्कीम हैज़ बिन मॉडिफाइड इनटू, ये मैं बताना सर भूल गया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो नेशनल जो मैटरनिटी बेनिफिट है स्कीम, नेशनल का मतलब तो राष्ट्रीय, मैटरनिटी का मतलब होता है मदर को, और बेनिफिट का मतलब कुछ पैसा ऐसा मिलेगा इसको, ठीक है, कहने का मतलब ये है। वो स्कीम जो है वो मॉडिफाइड हुई थी किस में, किस में मॉडिफाइड हो चुकी थी? JSSK में, RKSK में, JSY में और RBSK में। JSSK का मतलब होता है जननी शिशु सुरक्षा योजना, जो अभी बताया था मैंने, RJSSY JSSK के अंदर बताया था मैंने, ठीक है, कार्यक्रम। फिर है RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। फिर है RBSK मतलब राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। और फिर है JSY यानी जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। इसको मॉडिफाई करके JSY बना दिया, ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आया समझ में? नेक्स्ट MCQ, सिगरेट स्मोकिंग कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर? सिगरेट स्मोकिंग कैन कॉज, सिगरेट और स्मोकिंग कॉज करते हैं कैंसर, ठीक है, स्टोमक कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्लड कैंसर और बोन कैंसर। आपने सिगरेट स्मोकिंग किया है, धुआं कहाँ जाएगा? फेफड़े में। फेफड़े में कौन सा कैंसर होता है? लंग्स का कैंसर। राइट आंसर कौन सा है? बी, ठीक है। नेक्स्ट, टीबी इज वेरी ऑफ्टन सीन अमोंग पेशेंट विद HIV, ब्लाइंडनेस, रेनल इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि HIV ने इम्यूनिटी लॉस कर दी, तो बीच में कौन टांग अड़ा सकता है? टीबी अड़ा सकता है, ठीक है। तो ये टीबी अड़ाएगा किस में? HIV में। HIV पेशेंट को टीबी होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेरे पास में कुछ यहाँ पे अलग अलग COVID-19 कोल्ड एंड फ्लू के सिम्टम है, ठीक है, कौन सा किस में मिलता है वो। कॉमन सिम्टम अपन को पहले याद रखने हैं, कॉमन कॉमन को मैं छाट के लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो याद रख लेना। ठीक है, इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे ना, अच्छे से याद भी हो जाएगा और ठीक है। अच्छी बात, सोर थ्रोट किस में मिलता है? सोर थ्रोट, गले में खराश, ठीक है। कोल्ड एंड फ्लू, कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम होंगे तभी आपको सोर थ्रोट मिलेगा। अब कफ, यानी कफ आ रही, खांसी आ रही है, खांसी मिलेगा आपको सब में, COVID-19 में मिलेगा, कोल्ड में मिल सकता है, फ्लू में भी मिल सकता है, ठीक है। स्नीजिंग यानी छींके, छींके किस में आएगी? सिर्फ ओनली फॉर कोल्ड में आएगी, फ्लू लाइक सिम्टम में कभी कभी आ सकती है, कभी नहीं भी आए, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, पर नहीं आती है मोस्टली, तो नहीं आती है, ठीक है। फिर है फीवर, फीवर अगर कोल्ड है आपको, मतलब सर्दी खांसी जुकाम है, तो फीवर नहीं आएगा। कोविड 19 में फीवर आएगा, फ्लू लाइक सिम्टम है तो फीवर आएगा, लेकिन आपको हल्का सा सर्दी है, ठीक है, तो सर्दी में ये आपके ये फीवर है वो नहीं आएगा, ठीक है। बॉडी एक, पूरी बॉडी दर्द करेगी, वो किस में, फ्लू लाइक सिम्टम में बॉडी दर्द करेगी, लेकिन कोल्ड में कभी कभार करती है, बाकी नहीं करती है। टायर्डनेस कॉमन है फ्लू में, हेडेक भी आता है फ्लू में, हेडेक भी होता है। रनी स्टिप नोज ये भी होता है आपके, किस में, कॉमन है कोल्ड में होता है, ठीक है। मतलब कोल्ड में क्या होता है, जो नोज है वहाँ से क्या निकलता है, पानी निकलता है, ठीक है, ये सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम जो आ रहा है, सबसे ज़्यादा सिम्टम किस में आ रहा है, दो ही डिजीज़ में आ रहे हैं, ठीक है। पहले डिजीज़ तो फ्लू, फ्लू में तो है सारे सिम्टम आते, देखो शोर थ्रोट आता है, कफ आता है, ठीक है, फीवर आता है, फिर क्या आता है, बॉडी एक होता है, टायर्डनेस, हेडेक, ठीक है, ये सारे होते हैं। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, कॉमन कोल्ड में कॉमन जो चीज़ मिलेगी, सोर थ्रोट, कफ मिलेगा, स्नीजिंग मिलेगा, और फिर बॉडी एक मिलेगा, और फिर रनी स्टिफी नोज मिलेगा, ठीक है। और कोविड 19 में ओनली फॉर दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मिल सकती है अपन को, कफ और फीवर, लॉन्ग टाइम तक कफ रहना, फीवर रहना, ठीक है, ये दो चीज़ें मिलती है। ये थोड़ा स्पेशल था तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फीवर कोल्ड में नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपने पास में कुछ इंक्यूबेशन पीरियड के ऊपर से क्वेश्चंस है, ठीक है, तो वो अपन आज थोड़ा और कर लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी का पहले मैं बता दूंगा आपको, ताकि अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन कल भी चले थे रेस्पिरेटरी के ऊपर से, ठीक है, तो एक वीक, वन वीक जो होता है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर आता है। तो एक वीक आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए वन वीक। इन्फ्लुएंजा 1 से 2 दिन, कॉमन कोल्ड 1 से 3 दिन, ब्रोंकियोलाइटिस और क्रॉप एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज 5 से 7 दिन। डेंगू के लिए है, अब डेंगू के लिए इनके लिए 2 वीक पे चला जाएगा मामला, 1 से 2 वीक, ठीक है। तो डेंगू के लिए 5 से 8 दिन, हर्पिस सिंप्लेक्स एंट्रो डिजीज़ ये 5 से 8 और 6 से 12 दिन, ठीक है। नेक्स्ट पोलियो माइलाइटिस, पोलियो के लिए है आपके यहाँ पे 5 से 20 दिन, ये भी क्या है, और यहाँ से ये तो है आपके 2 वीक तक का मामला, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 3 वीक तक का मामला चलेगा, ठीक है। तो मीजल्स के लिए है 9 से 12, मतलब 1 से 2 वीक। स्मॉल पॉक्स के लिए 1 से 2 वीक, ठीक है, 12 से 13 दिन। चिकन पॉक्स के लिए 13 से 17 दिन, ये 2 से 3 वीक तक जा रहा है मामला। मम्स के लिए भी 2 से 3 वीक, और रुबेला के लिए भी 2 से 3 वीक, ठीक है। नेक्स्ट नहीं है क्वेश्चन। तो आज की जो हमारी जर्नी थी, आज की जो हमारी क्लास थी, वो यहीं तक थी। तो प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी आपको, धमाकेदार जो क्लास थी अपनी आज की, वो कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी हो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। सारे के सारे कमेंट आपको करना ही है। कल का MCQ मेरे पास नहीं है, कल की नई स्लाइड है वो खोलनी पड़ेगी कल तैयार करके, तो कल ही खोलेंगे अपन, आज नहीं खोलेंगे। तो कल का MCQ आपके लिए कुछ भी नहीं है, कल का MCQ सिर्फ ये है, आपको पहले ही MCQ में पूछूंगा आपको कल कि आपको मीजल्स का, स्मॉल पॉक्स का, चिकन पॉक्स का, मम्स का, रुबेला का, इनका इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद करना है। अब ये कौन सा इंक्यूबेशन पीरियड है, क्योंकि ये आपको बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो ये आपको याद करना है ये वाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये आपको याद करके कल सुनाना है, ठीक है, मतलब टाइपिंग में टाइप करना है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी है सभी को। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं है, हार को जीत से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, हम तो बने हैं सिर्फ जीतने के लिए। सौगंध महादेव की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।